अगर हम ब्रह्म सर को नहीं मानेंगे तो महिमा मिटेगी। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधकर रावण के सामने गए। जब रावण के सामने गए तो रावण ने कहा मार डालो इस बानर को, मार डालो। तो किसी ने हनुमान जी के कान में कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा, रावण मारने की बात कर रहा। हनुमान जी बोले हमें डर नहीं है। क्यों? मारने वाला है भगवान बचाने वाला। किस में क्षमता है जो प्राण निकाले? किसी ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा बातों से, दस दस मुंह से बोल रहा रावण। हनुमान जी बोले हमारा डर निकल चुका। कब? अशोक वाटिका में जब जानकी जी बैठी हुई थी तो रावण ने कहा था कि मार डालो इसे, भयभीत करो। हनुमान जी बोले हम अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठे थे तो हमने सोचा वाह माता को कोई मार दे, हम देखते रहे, हम बचाएंगे। हनुमान जी बोले तब तक मन में विचार आया कि अगर हम नहीं होते तो कौन बचाता मां को, कौन बचाता? तो रावण तो इतना बोल के चला गया। राक्षसियां जब श्री हनुमान जी महाराज को जब श्री जानकी जी को मारने के लिए प्रेरित हुई उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका सबनो बोल सुनायसी सपना सीतय से करो हित अपना। श्री हनुमान जी बोले तब राम जी ने त्रिजटा को भेज दिया, अगर रावण हमें मारेगा तो बचाने वाला भी इसी समय यहां होगा। और रावण ने कहा मारो, राक्षसों ने जैसे ही तलवार निकाली उसी समय विभीषण जी आ गए। अब विभीषण जी आए तो क्या बोले, नीते विरोधे ना मारी के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण ने कहा क्या करें, आनो दंडे कछु करम गुसाई, और कोई दंड दिया जाए। रावण ने कहा तो सावधान राक्षसों मारो मत, एक काम करो अंग भंग कर पठवई बंदर, इस बंदर का अंग भंग कर दो। हनुमान जी सक पका गए। अब किसी ने पूछा कि तुम काहे भैया घबरा रहे? हनुमान जी बोले कहीं रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन सूपनखा की याद न आ जाए। बोले क्या गड़बड़ होगा? बोले कहूं नाक कान नयागी को लगू कटवा दे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी ने कहा गड़बड़ क्या होगा? अरे हनुमान जी बोले गड़बड़ यह होगा, क्या हम राक्षसों के हैं तो नाक कटवाने आए? हम तो इनकी मूंछ उखाड़ने आए, अपनी पूंछ से नाक कटवाने थोड़ी आए। अच्छा, लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नामा गृगण्यम है। किसी ने कहा नाक कान कट भी जाए तो क्या दिक्कत है? अरे बोले कान कट जाए तो चल जाएगा भैया, कान कट जाए नो प्रॉब्लम, टोपा लगा लो ठंडी लग रही, कपड़ा बांध लो, तौलिया बांध लो, भैया हमको ठंड ज्यादा लगती है इसलिए हम कान बंद रखते हैं। लेकिन नाक कट जाए, अब नाक कटे पे क्या करो? अब लेकिन आज के जमाने में हमने एक जगह कही कि नाक कटने पे कोई उपाय नहीं है, तो एक लड़का खड़ा हुआ बोले मास्क लगा सकते हैं। अब आज के जमाने में तो चल गए उस जमाने में, तो नाक कान कट जाए तो क्या करें? अरे नाक कटाने थोड़ी आए हैं, धन्य है हनुमान जी।
हनुमान जी मानो कहना चाहते हैं भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो क्या हम विकारों से नाक कान कटवाएं। हनुमान जी कहते हैं हमें इसीलिए भेजा है राम जी ने कि हम विकारों की ही नाक कान काट दे रहे। और सच यह है कि हमें राम जी ने भी इस संसार में भेजा है और यहां आकर के कामना वासना लोकेच्छा इस संसार की ईसा मत मत्सर में पड़ करके अगर हम नाक कान कटवा कर चले जाएं तो हमसे बढ़कर के कोई मूर्ख नहीं है। सच तो यह है कि हम लोग ही वासना की नाक कान उपासना से काट दें, वही सच्चा व्यक्ति भक्त है। तो श्री हनुमान जी ने एक उपाय किया, पूछो क्या किया। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुणे निधानम वानराराम भीषम रघुपति प्रिय। आहा, श्री हनुमान जी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। हनुमान जी ने सोचा, रावण ने कहा अंग भंग कर पठवई बंदर, अंग भंग करके भेज दो। रावण ने सोचा कि पूरे संसार में खतरा किसी चीज से है तो वो है पूंछ। किससे खतरा है बोलो? तो हनुमान जी ने पूंछ लई, रावण के सामने दरबार में खड़े हैं और हनुमान जी ने पूंछ लई, दो ही पैरन के बीच में हो निकाली। अब पूंछ पकड़े, पहले चूमे, आंखन में लगावे, मूड़ पे धरे, फिर चूमे, फिर आंखन में लगावे, फिर मूड़ पे धरे। रावण ने गौर से देखो, हैं इकी पूंछ में ममता है। कपि के ममता पूंछ पर सब कहो समझा। रावण ने कहा हो पकड़ गया, इसकी पूंछ में बहुत ममता है, ये पूंछ को चूम रहा, कहीं पूंछ ना कट जाए। तो रावण चिल्ला के बोला, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहा समझा, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देव लगा। रावण बोला हनुमान जी की पूंछ काट दो, बार दो। हनुमान जी बोले जो ठीक है, जय हो भगवान, भई सहाय सारस। सरस्वती माता ने कृपा कर दी कि पूंछ को नाम न करे। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि अपनी प्रतिष्ठा के पीछे मत पड़ो, राम जी की प्रतिष्ठा के पीछे पड़ो, राम जी तुम्हारी पूंछ अपने आप लंबी कर देंगे। आप संतों की, गुरु की, माता पिता की पूंछ के पीछे पड़ोगे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के पीछे पड़ोगे तो राम जी आपकी प्रतिष्ठा को लंबा कर देंगे। रावण ने देखा कि इसकी ममता पूंछ पर है हनुमान जी महाराज की, तो रावण बोले आग लगा दो। हनुमान जी बोले काम हो गया। क्या काम हो गया? बोले पूंछ जल भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम, कट भी जाएगी नो प्रॉब्लम। कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमारी जन्मजात पूंछ कटी भाई, कोई दिक्कत नहीं। और मानो हनुमान जी कहना चाहते हो पूंछ को लेकर के कि पूंछ हमारी नहीं, पूंछ तो राम जी की है, जिनकी पूंछ है वो अपने आप पूंछ को बचा लेंगे। और बात भी सही है। हनुमान जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्यों हनुमान जी, जानकी जी ने पूछा तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तो श्री हनुमान जी ने अद्भुत जवाब दिया। हनुमान जी बोले आंगे ही राघव मेरे हैं, आंगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। और अब खेल देखना। लंका में रावण ने कहा कि तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए, तेल में कपड़ा बोरो पूंछ में बांधो आगे लगा। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो और पहले मूर्ख। राक्षस बोले वाह तेल का घी की कमी है क्या,
हम तेल नहीं, हम तो घी लगाएंगे। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, ले आओ लिया लिया घरन से। अब राक्षस तो राक्षस अपने अपने घरन से खाट को घी लिया है। कपड़ा जितने घरवाई की साड़ी तक उठा ले आए राक्षस अपनी अपनी लोगान की। लोगाई बोली कम से कम एक तो छोड़े जा। अरे बोले पागल है का, उसे बंदरा की मजा ले, दे साड़ी लेके राक्षस आ गए। घी लगाओ कपड़ा में, हनुमान जी की पूंछ में बांध दो। हनुमान जी की पूंछ में ज्यो कपड़ा बंधे सो बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। ज्यो कपड़ा बंधे सोई हनुमान जी एक इंच पूंछ बढ़ा दे हैरान के। अब राक्षस बड़े हैरान के पूंछ ज्यो की त्यों खा ली। तो हुआ क्या, रहा न नगर बसन घृत। आप चौपाई पढ़ेंगे तो पहले घृत आया, घृत माने घी। पूरे नगर में ना कपड़ा रह गया ना घी रह गया। संवाददाता रावण लो बोले बोले पहुंचे, बोले सरकार राज्य में अकाल पड़ गया, घी खत्म। रावण बोलो घी गाँव का। संवाददाता बोले हुजूर पूंछ में लगा दो। रावण बोले मूर्ख, घी लगाने को किसने कहा था। संवाददाता बोले हुजूर अपनी नाक ना कट जाती, घी की कौन कमी है। रावण बोले तब ठीक है, तेल बचो। बोले बोले वो और लगा। तो आप चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई में आया रहा न नगर बसन घृत तेला, पहले घी फिर तेल। तो पहले घी पूरो हनुमान जी ने ले लो। अब हनुमान जी बोले घी बढ़ा दो, तेल ही लिया ले आओ, जिसकी जितनी श्रद्धा ले आओ, सबको प्रसाद मिलेगा जग का। राक्षस तो बड़े आतुर के आनंद आएगा, बंदर की पूंछ में आग लगी, हो आग लगेगी, हम ताली बजाएंगे आनंद लेंगे। हनुमान जी बोले रुक जाओ ठटरी के बरे हारो, हाँ। तेल जितना लंका में हो तो पूरे पूंछ में लगा दो। हनुमान जी बोले और बचू। अच्छा हनुमान जी जो भी गौर कर रहे कि किसके घर से कितना आ रहा। अच्छा सब घरन से घी तेल कपड़ा आओ, बस एक घर से नहीं आओ। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, इन्हें जब चंदा ही नहीं दिया तो इन्हें प्रसाद भी नहीं मिलेगा। अब हनुमान जी की पूंछ में तेल घी कपड़ा बड़ो लंबो लंबो लग गो। रावण बोले क्या तैयार है। राक्षस बोले हुजूर तैयार है। बोले लगा दो आग। राक्षस ने लई सो आगी छुबा दी, आगी छुबाई सो सब ताली बजाने लगे, हो बंदर की पूंछ में आगी लग गई, आगी लग गई, आगी लग गई। हनुमान जी बोले रुक जाओ बेटा, तो बाड़ी पूछ कीने कभी खेला रहा नगर बसन घृत तेला। अब हनुमान जी खेल करने लगे। हनुमान जी ने पूछ में आग लगी देखी तो उलटे पलट लंका सब जाली। हनुमान जी ने जैसे ही आगी बढ़ती हुई देखी सो हनुमान जी ने घरन घरन में घुसबो शुरू कर दो। जिस जिस घर से तेल घी कपड़ा आओ तो हनुमान जी कूद के ओई की अटारी में घुस जाए। अब पूछ कर दे मकान की तरफ, थोड़ी देर में आगी लगना शुरू हो गई, हाहाकार मच गया। बंदर श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने हाहाकार कर दिया। रावण के पास संवाददाता आए, बोले हुजूर बंदरा तो बड़ो खतरनाक। बोले क्या होगा। अरे बोले देखो आग ही लगा दी पूरे राज्य में। रावण बोलो हमें पता है, चिंता मत करो, हम देखेंगे। जो ज्यादा मूर्ख होता है वो ऐसे ही होता है कि हमें सब पता है। हनुमान जी महाराज ने पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन एक घर में आग नहीं लगाई। कौन से घर में। एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई। तो संवाददाता ने माइक लगा दो, पत्रकार ने हुजूर जो मकान रहेगा वो चार नंबर को। तो हनुमान जी बोले लिस्ट चेक करो, इनके घर से चंदा आओ। तो दूसरे बोलो इनके घर से चंदा नहीं आओ। हनुमान जी बोले तो प्रसाद भी नहीं मिल रहे यहां, जब चंदा ही नहीं आओ। हाँ
जब चंदा ही नहीं आओ तो इन्हें प्रसाद कौन बात को दाओ जाए। हनुमान जी बोले नेक्स्ट मकान बोलो, बोलो 6 नंबर मकान है। सो हनुमान जी ने पूछ से धर दई आ गई, बार दो, पूरी लंका जला दी, पर एक विभीषण कर ग्रहना, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। अब यहां पर गौर करना, आज की कथा का सूत्र है, लंका में सबके घर जलाए पर विभीषण का घर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर राम नाम लिखा है, जो राम का होता है, जो राम नाम लिखता है, हनुमान जी उसके घर में आग लगाते नहीं, बुझाते हैं।